नमस्कार, मैं हूं जया प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मिट्टी मनोहर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूंग दाल की पकौड़ी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मूंग दाल के पकौड़ों के लिए हम आधा किलो मूंग दाल लेंगे। अब इस दाल को 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। हमने यहाँ पे छिलके वाली दाल ली है, जिसे भिगोने के बाद साफ कर लेंगे। 3 घंटे हो गए हैं, हमारी दाल भीग के तैयार हो गई है। अब इसको हाथ से मसल मसल के छिलके उतार लेंगे। छिलके हमारे काफी उतर गए हैं, अब इसे अलग बर्तन में बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से दाल को 3 से 4 बार धो लेंगे। अब हम दाल को मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। हमारी दाल पीस के तैयार हो गई है। अब हम इसमें 1 छोटी कटोरी मटर के दाने डाल देंगे। अब हम इसमें हरे कटे हुए प्याज डाल देंगे। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। थोड़ी कुटी हुई अदरक डालेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हम हथेलियों के बीच रगड़कर डालेंगे, इससे अच्छी खुशबू हो जाती है। थोड़ी सी चुटकी भर इसमें हींग डाल देंगे। अब 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब सभी मसाला को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सेंधा नमक और सादा नमक स्वाद अनुसार मिक्स करेंगे। कुटे हुए साबुत धनिया डालेंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर मूंग पकौड़ी के लिए तैयार है। पकौड़ी तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसको गरम करेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है और इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। अब हम हाथ में थोड़ा थोड़ा बैटर लेके उसकी पकौड़ी बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी पकौड़ी हम निकाल लेंगे। अब ये थोड़ी फ्राई हो जाएगी, उसके बाद इसको पलटना है। अब इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। हमारे पकौड़ी का कलर चेंज हो गया है, ये फ्राई हो गई है। अब इसे बाहर निकालेंगे।
इस तरीके से सारी पकौड़ियाँ धीरे धीरे हम निकाल लेंगे। मूंग दाल की पकौड़ी आप किसी भी मौसम में खा सकते हो। इनको हरे धनिया की चटनी के साथ या टमाटर सॉस के साथ खा सकते हो। हमारी मूंग दाल की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो एक बार आप भी घर पे बनाइए और खाइए। वे अपने अनुभव मीठी मनवार पर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई रेसिपी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।